हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी। तो बिल्कुल सही, मैं आपके साथ मैं आज आपको बताऊँगी लौकी की बर्फ़ी बनाना। मैं किस तरीके से लौकी की बर्फ़ी बनाती हूँ लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए मेरी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो उसी तरीके से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ले ली है 3 किलो लौकी, अच्छे से धोकर छीलकर हम कद्दूकस में घिस लेंगे। तो ये देखिए मैंने लौकी को धो लिया है अच्छे से, अब इन्हें हम घिस लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का लच्छा तैयार कर लेना है। अभी हमारी लौकी पूरी घिस गई है, तो अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या सामान इसमें डाला है। तो 3 किलो लौकी में मैंने डाला है 1 किलो मावा और 1.5 किलो चीनी। तो इस माप के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी लौकी की बर्फ़ी तैयार होंगी। तो आप भी यही माप रखिएगा। अब मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसमें सबसे पहले चढ़ा लूँगा 1.5 चम्मच देसी घी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 चम्मच, 1.5 छोटी वाली चम्मच देसी घी चढ़ाना है। उसके बाद उसमें डाल देनी है सबसे पहले अपनी लौकी। देखिए लौकी को अगर आप निचोड़ कर डालते हैं उसका पानी निकाल कर, तो थोड़ी जल्दी बन जाती है, और अगर आप ऐसे ही डालेंगे थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। लेकिन जब आप ऐसे ही डालेंगे तो उसका जो नेचुरल मिठास है वो हमारी लौकी में ही रहेगी और मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप उसका पानी निकाल देते हैं उसकी नेचुरल मिठास जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका पानी नहीं निकाला है। और जब लौकी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हमें इसमें डाल देनी है चीनी। अब चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए इसे बनने में, इसे तैयार होने में, 3 किलो लौकी की बर्फ़ी को तैयार होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ये देखिए कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया, इसमें पानी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो जब ये बिल्कुल पानी पूरी तरह से सूख जाएगा और हमारी लौकी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको मावा कब डालना है। देखिए जब तक हमारी चीनी वो पक रही है तब तक हम बर्तनों में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं बर्फियाँ जमाने के लिए। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में चारों तरफ वाइट चीनी सी दोबारा जमने लग गई है। तो जब इस तरीके से चीनी की खांड बननी शुरू हो जाए तब आप समझिए कि इसमें मावा डालने का सही समय आ गया है। तो अब ये वाइट सी लगने लगी है और काफ़ी टाइट हो गई है, तो गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर तक चलाने के बाद तब इसमें हम मावा अपना मिक्स करेंगे। जब आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो बर्फ़ी आपकी कभी भी बिगड़ेंगी नहीं, बहुत ही अच्छी जमेंगी, बहुत ही बढ़िया पीस आपकी बर्फ़ी के निकलेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मावे को मिक्स कर देना है। अब एक ट्रिक मैं आपको हलवाइयों वाली बताती हूँ कि जिस ट्रिक से आपकी बर्फ़ी कभी बिगड़ेंगी ही नहीं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से कोई घोटना लेकर या फिर ये रई लेकर अच्छे से घोट देना है। जितना ज़्यादा आप इसे घोटेंगे उतना ज़्यादा इसका कलर वाइट होगा और उतनी ही ज़्यादा ये मुलायम और अच्छी जमेंगी। तो जब तक आपको लगने ना लगे कि कढ़ाई में हमारी ये जमने लगी है तब तक इसे घोटते रहिए बराबर। और जब ये काफ़ी टाइट हो जाए तो उसके बाद डाल देनी है बर्तन में और इस तरीके से पलटे की हेल्प से इसे फैला देना है। अब एक कटोरी की थली में चिकनाई लगाकर इसे अच्छे से चिकना कर दीजिए ऊपर से, और अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद हमारी बर्फ़ी तैयार है। अपनी मनपसंद पीस कट कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है। अब ये देखिए फटाफट से पीस इसके निकल जाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी बर्फियों को निकाल लेंगे। आप इन्हें स्टोर करके 7-10 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारी बर्फ़ी तैयार है लौकी की। 3 किलो लौकी में हमारी इतनी सारी बर्फियाँ तैयार हो गई हैं। तो आप किसी भी फेस्टिवल पे बनाइए, चाहे तो नॉर्मली ऐसे ही बनाइए, 7-10 दिन के लिए स्टोर करके आराम से आप खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।